अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने लिया है नया घर और मैं आपको इस घर का टूर करवाने लगी हूँ। ये वाला मुझे अच्छा लगा है क्योंकि जो कलर स्कीम है ना इसकी, ब्लैक, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस भी मौसम अच्छा हो मुझे आराम से जाना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये खुशखबरी आपके साथ शेयर करनी है, मुझसे इंतज़ार नहीं हुआ। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक नया घर जो है वो ख़रीदा है। शहर से थोड़ा दूर है, ज़्यादा दूर है, मतलब 2 घंटे की मुसाफत पे है और मैं वो देखने जा रही हूँ, व्लॉग भी बनाऊँगी, दिखाऊँगी आपको। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपनी खुशी में शामिल करूँ। जल्दी से चलते हैं और आपको अपने नए घर का विज़िट करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने लिया है नया घर और मैं आपको इस घर का टूर करवाने लगी हूँ। ये घर जो है वो फर्निश्ड लिया है, सामने है पार्क और अब हम अंदर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा है, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया जाए। अच्छा, ये आ गए हम घर के अंदर। बंद कर दिया मैंने दरवाज़ा, बारिश हो रही है, बहुत प्यारा मौसम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये है यहाँ से हम एंटर हुए, फर्निश कर रहे हैं जो हमने लिया। मैं आपको उधर जाके दिखाती हूँ। ये जी एंटर हुए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ड्राइंग रूम। ये है जी फर्निश्ड हमारा ड्राइंग रूम। कलर काफ़ी अच्छा है, फानूस भी दिखाती हूँ मैं, और बड़ी खूबसूरत इसकी ना, मुझे बड़ा एलिगेंट लुक लगा। बाद में तो आप फिर चेंज करवा सकते हैं, बाद में तो हमारी मर्ज़ी है। अभी तो हम लोगों ने जो है, हमारी प्रेफरेंस थी कि हम फर्निश्ड घर लें, उसके बाद बीच में तो चीज़ें हो जाती। मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये हो गया हमारा ड्राइंग रूम। ये इसके 2 गेट्स हैं, लाइक बाहर से भी हम एंटर हो सकते हैं और टीवी लाउंज से भी। यहाँ से अंदर आते हैं, इसको बंद करते हैं और ये है जी हमारा टीवी लाउंज। माशाल्लाह इसमें रूम काफ़ी, हमें जितने रूम चाहिए थे उतने हैं। और ये देखें, यहाँ पर सुकून से बैठ के जो है ना, जितना मुझे टीवी देखने का शौक है ना, बस यहाँ पे बैठ के जो है ना टीवी देखते रहना है मेरा, और कुछ नहीं करना। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं 2 घंटे काम करूं तो 3 घंटे टीवी देखूं। तो जी ये आ गया हमारा टीवी लाउंज। अभी मैं जस्ट एंटर हुई हूँ, अभी तो इसमें क्लीनिंग का काम और जो है वो वाइट वॉश का काम और जो चीज़ें हमने रिमूव करवानी है, इन सारी चीज़ों का काम जो है वो मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो रही थी, मुझे समझ नहीं आती कि आप लोगों से जल्दी से शेयर करूँ। तो ये आ गया। ये है जी किचन नंबर 1। ये तो बहुत ज़्यादा मेसी है लेकिन इससे बहुत प्यारा काम हुआ, वाइट टाइल्स वगैरह बहुत अच्छी हैं और अगर देखें तो किचन काफ़ी अच्छा है। ये मेरा फ्रिज नहीं है, वो तो मैंने नया लेना है, लेकिन ये है कि किचन जो है वो काफ़ी अच्छा है और यहाँ से जो है बहुत इसकी लुक बहुत अच्छी है। अभी ऊपर भी चलते हैं क्योंकि ऊपर वाला मेरा ज़्यादा फेवरेट है। चलो भाई, ये आ गए जी हम बेडरूम नंबर 1। ये हो गया। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया क्योंकि जो मैंने बेडरूम लेना है उस पर मैं बहुत ज़्यादा काम करवाऊँगी। ये देखिए इसका वॉशरूम बहुत बड़ा है, आई थिंक ये मास्टर, बल्कि नहीं मास्टर बेडरूम ये तो नहीं है। ये है जी बेडरूम नंबर 2, यहाँ पे काफ़ी काम होने वाला है। यहाँ पर जो है वो अब जिसने रहना होगा पूछ रहे हैं, अभी डिसाइड होना है कि जी सब लोग बोल रहे हैं हमने यहाँ रहना है, कोई कह रहा है मैंने वहाँ पे रहना है। ये देखिए ये आ गया टॉयलेट,
ये अलहम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा घर है, ठीक है, जो जहाँ पर हम रह रहे हैं वो तो खैर हमारा फेवरेट है, लेकिन ये भी हमने जो है लिया है, अब इसमें देखना है कि शिफ्ट कब होते हैं, इसीलिए फर्निश लिए है कि कभी आकर मूड हो तो बंदा आकर यहाँ पर रह लेता है। तो जो हमारा घर है वो अलग है, ये अब हमने फर्निश घर लिया है, अब मैं आपको ऊपर लेके जाऊँ। मेरे बालों का बहुत बुरा हाल हुआ, अब चलते हैं जी ऊपर। यहाँ पे भी मुझे ये सबसे मेरी फेवरेट जगह है, जहाँ पर शीशे लगे होते हैं ना वही फेवरेट जगह होती है। चलिए अंदर चलते हैं हम अंदर। ये भी है टीवी लाउंज, और यहाँ पर भी ये देखिए है हम किचन में। ये किचन है, ये बहुत क्यूट है, और सबसे ज़्यादा क्यूट है इसमें यहाँ पे बैठने की जगह, ये मुझे जो है बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा है, क्यूट है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हैं आपको। अब चलते हैं बेडरूम में। ये आ गए जी हम बेडरूम। टोटल 5 कमरे हैं यहाँ पर, ये देखिए बहुत काम होने वाला है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरे ख्याल में हम कभी कभी आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा शहर से दूर है, तो इसलिए जब ईद त्यौहार पर इकट्ठे होना हो या थोड़ा सा रशी लाइफ से आपने दूर जाना हो, इसीलिए हमने ये फर्निश लिया है कि हमें इस पे जो है टाइम ज़्यादा ना लगाना पड़े। तो हम लोगों का घर तो शहरों में है, ये काफ़ी दूर हो जाता है, 1-1.5 घंटे की जो है वो ड्राइव होती है, तो यहाँ से तो फिर अपने काम को मेंटेन करना मुश्किल होता है, लेकिन ये हम लोगों ने इसलिए लिया है कि जब रशी लाइफ से आप तंग आ गए हो तो फिर यहाँ पे आके सुकून करें 2-4। ये आ गए एक और बेडरूम में। ये वाला मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो कलर स्कीम है ना इसकी, ब्लैक, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाला है मेरा भी आज यहाँ पे पहला दिन है, मैंने बस जो है एक दफ़ा जब हमारी डील हो रही थी उस वक्त में आई थी, और आज जो है मैं ये जो बेडरूम है ये मुझे अच्छा लग रहा है। मेरी कोशिश है कि ये वाला मैं जो हूँ वो लूँ, वेरी क्यूट, और यहाँ पर जितने साइज़ का पसंद है मुझे टीवी में वो लगाऊंगी, मुझे टीवी देखने को बहुत ज़्यादा शौक है। और इसका जो है वॉशरूम भी काफ़ी क्यूट है। ये आ गए हम 5वें बेडरूम में। ये भी अच्छा है, ये देखिए अपनी तरफ से तो उन्होंने बहुत मतलब हर चीज़ को बहुत वेल मेंटेन करने की कोशिश की हुई है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन हर इंसान की फिर अपनी चॉइस होती है कि आपने किस तरह से रहना है, आपने किस तरह से चीज़ों को देखना है, तो वो तो हम इंशाल्लाह ताला चीज़ आपके पास होनी चाहिए, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन खुद कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा आखिरी बेडरूम। अच्छा हो मुझे आराम से जाना पड़ रहा है। ये देखिए इस व्यू की वजह से और पार्क फेसिंग जो है इसकी वजह से हमने ज़्यादा प्रेफर किया था, ये होना चाहिए। आई कैन स्लिप। ये आ गया पीछे हमारा बैक शॉट।
वो है पार्क। चलें अब छत पे चलते हैं। अब जा रहे हैं हम छत के ऊपर। ऊपर सर्वेंट क्वार्टर भी है। अच्छा आ गई जी रूफ टॉप छत। आंखें ही खुल रही, अभी बारिश हो रही थी और अभी मौसम चेंज हो गया है। पीछे सर्वेंट क्वार्टर है, यहाँ पर भी सफाई होना बाकी है, लेकिन दिस व्यू इज हैव माई हार्ट सो ब्यूटीफुल अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम बहुत अच्छा है। ये बैकयार्ड है जी। हाँ जी, ये एक कनाल का घर है और मुझे ना इस बात पे हैरत हो रही है। ओहो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। तो ये जी बैकयार्ड है। मौसम जो है कभी बारिश होती है, कभी बारिश नहीं होती है। आज धूप निकल आई है और मैंने हील पहनी हुई है, इस वजह से जो है मैं पीछे नहीं जा सकती। अब हम जो है वो दूसरी साइड पे जाते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। मैंने ये खाना ऑर्डर करके मंगवाया है, जिसमें ये आलू चिकन कोफ्ता है, मूंग मसूर की दाल है और ये आलू अचारी है। खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन ना मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मुझे थोड़ा सा फीवर था। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कुछ चावल बिरयानी स्पाइसी खाने को, लेकिन उस टाइम अवेलेबल नहीं था तो हमने यही खाया। अब मुझे जो है वो अजीब फील हो रहा है, तो देखते हैं अब रात को क्या खाते हैं। अभी तो हम जो है अपने घर से निकले हैं, देख रहे हैं कि सराउंडिंग्स में जो है वो क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह घर तो बहुत अच्छा लगा है, हम सबको बहुत पसंद आया है। लेट्स सी अब कब शिफ्ट होना है, आना है या सिर्फ दो तीन दिन के लिए आना है, ये तो अब आगे चल के डिसाइड करेंगे, लेकिन ये है कि अभी इस पर काम होना बाकी है। गुजर रहे थे यहाँ से, तो फिर मैंने सोचा कि यार कुछ ऑर्डर कर दें, तो अभी कुछ ऑर्डर किया है और आ रहा है। अगर अगर रानिया आपके लिए कुछ आया है, दिस इज़ फॉर यू। वेलकम। मैंने नहीं खाना अभी कुछ। मौसम अच्छा था और घर जाने से पहले मैंने कहा मैं बारबेक्यू खाऊं, आपको दिखाती हूं। ये आके या बारबेक्यू। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं बहुत थक गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको घर कितना पसंद आया और क्या मुझे मुस्तकिल वहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें।